और आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ, थोड़ा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि नवमी है, पूजा है आज। तो बस यहाँ पर मैं जो जाले हैं थोड़े बहुत जाले निकाल लूँगी और झाड़ू पोछा अच्छे से करना है, उसके बाद मुझे अपने पूजा की तैयारी करनी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बस क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है रामनवमी, ये ब्लॉग आप लोग को कल देखने को मिलेगा। तो रामनवमी है तो आज मुझे बनाना है पूजा का सामान, माता जी पूजना है। तो बस इस समय अभी हम लोग है ना माता जी के होते, हमारी जो कुलदेवी पूजती है वहाँ पर होते, राजस्थान में है हमारी कुलदेवी, तो वहीं पे हम लोग जाते हैं। बीमारी की वजह से रिजर्वेशन ही कैंसिल करवाना पड़ा हम लोगों को, ताकि तो जाना हुआ नहीं और कुलदेवी को अब घर में ही पूजते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है ब्लॉग में लास्ट तक बनी रहेगा। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और पूरा काम हो चुका है, साफ सफाई हो चुकी है, अब मैं पूजापा बनाऊंगी तो पूजा का सामान बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, पहले माता जी की पूजा कर लेती हूँ। काव्या मोबाइल में लगी है, उसको मेरे को ध्यान नहीं रहा सामान ऐसे कैसे रखा है, पोछा अच्छा लगा के। तो बस भगवान की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही दूसरे काम करूँगी। तो आज सुबह में क्या मुझे मॉर्निंग में याद नहीं रहा कि आज रामनवमी है, तो काव्य की छुट्टी है और उसको मैंने उठा दिया 7:30 बजे, चाय नाश्ता करके उसको मैंने बिठा दिया। लिंक का वेट करी थी, लिंक आए और फिर नोटिस मैंने चेक करा व्हाट्सअप पर, तो उसका आज क्लास नहीं था, छुट्टी थी आज। फिर उसको मैंने कहा चलो अब तुम नहा लो कर लो, तो उसको मैंने दूसरे काम में लगा दिया है। और फिर उसके बाद तो नींद आती नहीं बच्चों। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, तो खीर के लिए मैंने तपेले में डाला है थोड़ा सा घी, यानी कि हाफ स्पून के आसपास। उसके बाद घी गर्म हो गया तो चावल डाल दिए धुले हुए, थोड़ा सा पानी डाल दिया है पकने के लिए, और पानी डाल देंगे इसमें तो चावल को पानी के साथ पकाऊंगी मैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का बाउल चावल लिया है और हाफ स्पून के आसपास घी लिया था। चावल को पकने देंगे, तब तक यहाँ मैं पुए का घोल बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5-6 चम्मच शक्कर डाला है, एक बड़े साइज़ का मैंने बाउल भर के आटा लिया है। तो पुए किस तरह से सॉफ्ट बनते हैं ये सबसे अच्छा ट्रिक है, मतलब शक्कर और आटे का घोल तैयार करके रख दी
लीजिए और उसके बाद एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा इसका, मतलब सॉफ्ट बेटर तैयार हो जाएगा, उससे इसके जो पुए रहते हैं ना वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ पर मैं इसको ढक के रख देती हूँ, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि माता जी के पुए बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें खसखस डाल सकते हो, सौंफ का पाउडर डाल सकते हो। यहाँ पर देखिए चावल पक गए थे तो मैंने 1 लीटर दूध लिया है, वही 1 लीटर दूध से ही मैं खीर बना रही हूँ। दूध डाल दिया है, दूध डाल के इसको पकने देंगे। जब खीर अच्छे से पक जाएगी, चावल अच्छे से पक जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा और मतलब दूध और चावल बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, चावल ऊपर तैरने लग जाते हैं। अगर खीर अच्छे से पकी नहीं पकी चेक करना है तो बस यही तरीका है कि चावल है ना जो ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर चावल अच्छे से पक गए हैं तो मैंने डाल दिया है शक्कर। चावल अच्छे से पक जाए ना खीर के साथ बिल्कुल बराबर मिक्स हो जाए, उसके बाद ही आप शक्कर डालिए। मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दिया है खीर को पकने के लिए। यहाँ पर मैं पुए बना लेती हूँ। पुए के लिए मैंने रख दिया है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है तेल, साथ में घी को खीर को भी मैं मिक्स करती जा रही हूँ ताकि वो नीचे से चिपके नहीं। वैसे तो नहीं चेटेगी लेकिन फिर भी है ना मिक्स करते रहना चाहिए, बार बार टोलते रहना चाहिए। देखिए पुए का घोल कितना सॉफ्ट बना है। अब इस तरह से मैं पुए तोड़ लूँगी। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी मलाई डाल सकते हो, मिल्क पाउडर डाल सकते हो, दूध से घोल तैयार कर सकते हो। बहुत तरीके हैं पुए बनाने के, काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी पुए बन के तैयार होते हैं। बहुत से लोग बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर भी डालते हैं लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, बहुत सॉफ्ट बनेंगे पुए। तो बस यहाँ मेरे पुए बन गए हैं। तो यहाँ पर मैं खीर में ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, किशमिश डाल दिया है, काजू बादाम का पहले का थोड़ा सा पे वो रखा था पाउडर वो डाला है, और थोड़ा सा मैंने और डाला है कतर के, मतलब कि टुकड़े टुकड़े करके। यहाँ काव्या को ना पुए बहुत पसंद है तो पुए के लिए वेट कर रही है वो खाने के लिए। मेरा पूजा का पूरा सामान बन गया है, मतलब पुए का भोग लगता है हमारे यहाँ। खीर हम लोगों ने बच्चों के हिसाब से बनाई है, खीर का भोग नहीं लगता है लेकिन माता जी को फिर भी देते हैं। काव्या अभी रेडी होके आ गई है तो नहीं अभी नहीं खाना, पहले माता जी को भोग लगाएंगे। माता जी तो खैर यही है लेकिन पूजा तो करना जरूरी है, तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। बच्चों को भी भूख लग रही है। हाँ छोटी छोटी कन्याएं माता जी रहती हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ रहती हैं, माता जी रहती हैं। तो चलिए मैं फटाफट पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर खीर बन गई है, आलू की सब्ज़ी बनाई है, पूरी गरम गरम बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, बस इतना ही कुछ बनाया है। और यहाँ पर बैठा दिया है माता जी को खाने के लिए, मतलब छोटी छोटी जो कन्याएं घर की लड़कियां हैं उन्हीं को बैठा दिया है। और ये छोटे छोटे बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं तो बस इनको खिला दो अच्छे से। बाहर से तो किसी को नहीं बुलाया हम लोगों ने, सिर्फ घर के ही तीनों घर से जो बच्चे हैं बस उन्हीं को बैठा। और यहाँ पर मैं ये ना वेनिला आइसक्रीम बना के रख रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 1 कप मिल्क लिया है और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेकर पकने के लिए रख दिया था। पहले ठंडे पानी में मिक्स करा, उसके बाद मैंने पकने के लिए रख दिया, पक गया। उसके बाद मैंने इसमें शक्कर डाल दी है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डालिएगा। और जब अच्छे से पक जाएगा, थिक हो जाएगा, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे, ठंडा होने देंगे। यहाँ पर ये ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ आइसक्रीम की अगली प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, मेरे पास क्रीम रखी है तो मेरे पास विप क्रीम थी तो मैंने वही लिए है। आप चाहो तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो 1 बाउल। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बड़े से बाउल में क्रीम को और इसको फेंट लूँगी। और जो मैंने वेनिला आइसक्रीम के लिए जो मिक्सचर जो बैटर बनाया था वो ठंडा हो गया है तो उसको भी मैंने पास में ही रख रखा। और यहाँ पर व्हिप क्रीम को पहले हाई स्पीड में फेंटेंगे, फिर स्पीड कम कर देंगे, मतलब 2 मिनट हाई स्पीड में फेंटने के बाद फिर स्पीड कम कर देंगे। उसके बाद इसमें शक्कर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं है ना शुगर पाउडर डाल रही हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा शुगर पाउडर, क्योंकि व्हिप क्रीम मीठी होती है। अगर आप दूध की मलाई से बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत खुश हो रही है क्योंकि इसकी पसंद से ही आइसक्रीम बन रही है। और उसको मैं काम बता रही हूँ सामान लेके आने के लिए, तो लाला की भी दे रही है मुझे। और बस यहाँ पर मैंने शुगर डाल दी, फिर से इसको हम हाई स्पीड पे फेंटेंगे। और कुछ समय फेंटने मतलब 5-6 मिनट में ये फूल के डबल हो जाती है और इसमें इतने सारे मतलब फेन आ जाता है और काफ़ी जैसे समुद्र की वेव्स कैसी होती हैं वैसी दिखने लग जाती है। इसमें मैंने ना थोड़ा सा दूध भी डालना है तो दूध भी डाला था मैंने इसमें, ताकि ये है ना एकदम से जमे नहीं, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहे। तो इसमें मैं अच्छे से फेंट के दूध डाल दूंगी थोड़ा सा। नहीं नहीं देखो ये रखी इधर साइड में। हाँ अच्छा ध्यान से लेके आओ, अरे नीचे रखी। हाँ लेके आओ जल्दी से लाके। अरे प्लीज अम्मा जल्दी से लाके। देख क्या बेटा इसको दोनों में रखो। क्या जी? स्पेचुला इसको दोनों में रखो। नहीं चाहता।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं काव्या की बातें सुन भी रहे हैं, तो उसको इतनी शौरी ना खाने की और बार बार मतलब मुझसे बोल रही मम्मी इसको भी थोड़ा सा चाट लूँ थोड़ा सा चाट लूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध भी डाल दिया है और जो मैंने मिक्सचर बनाया था दूध का और कॉर्नफ्लोर का वो भी डाल दिया है और इसको डाल के अच्छे से फेंट लेते हैं हम। देखो उससे रहते नहीं बन रहा, बिल्कुल भी नहीं रहते बन रहा उससे। मैंने उसको बस रखा है इस पे चिल्ला और उसने ना देखो उठा के चाटने लग गई और बहुत बेकार लड़की, मेरे घर में यही सबसे बेकार लड़की है। तो बस चलिए फिट गया है तो ये हटा देती हूँ मैं और इसको जमने के लिए रख देती हूँ साइड से हटा के अच्छे से और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो कम से कम अच्छे से यहाँ देखिए मैं सिल्वर फॉइल लगा रही हूँ, आप चाहो तो प्लास्टिक की फॉइल होती वो भी लगा सकते हैं या फिर एयरटाइट डिब्बे में आप इस तरह से भी पैक करें, लेकिन इससे क्या होता है कि बर्फ़ नहीं जमती है, काफ़ी सॉफ्ट आइसक्रीम जम के तैयार हो जाती है। ये इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में कम से कम 5-6 घंटे के लिए तो रखना पड़ेगा और ओवरनाइट रख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इतनी खुश हो रही ना बाप रे, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। और आइसक्रीम को मैंने सेट होने के लिए रख दिया है तो कल तक ही जमेगी। तो कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ में, तब तक के लिए बाय।